हेलो, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का टॉपिक है साइनैप्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब कभी भी दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर जंक्शन पे कनेक्ट होंगे, स्टूडेंट्स मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिस टाइप का, और मैंने यहाँ पे आपको नर्व एंडिंग्स भी दिखाई थी। तो ये जो इसकी नर्व एंडिंग्स है और जो दूसरा न्यूरॉन्स है, जो दूसरा न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं, ये क्या होते हैं, आपस में अटैच होंगे एक पर्टिकुलर जंक्शन में। स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी ये नर्व एंडिंग्स है, सपोज ये दूसरा कोई न्यूरोन आ गया, फिर आगे यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसके डेंड्राइट्स थे, ये डेंड्राइट्स थे, डेंड्रॉन में अटैच थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसमें बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को आपस में क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। और आप याद रखेंगे यहाँ पे हेड टू टेल अरेंजमेंट है, हेड टू टेल अरेंजमेंट है, इसका मतलब इसका हेड है और इसकी टेल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं साइनाप्स इट इज अ जंक्शन, इट इज अ जंक्शन, ये साइनाप्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज अ जंक्शन और स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स। आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ जंक्शन और स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस या जंक्शन है उसको हम लोग साइनाप्स बोलेंगे। और इट इज बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया हेड टू टेल वाला, मतलब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्म है, टर्मिनल है, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला टर्मिनल है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक का हेड है, दूसरे की टेल। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है बिटवीन न्यूरॉन्स एट जंक्शन, कोई फिजिकल कनेक्शन तो नहीं है, इसलिए क्या होता है, जो इम्पल्स है उसको पास होना है साइनैप्स के थ्रू, और इसी साइनैप्स के थ्रू वो जो इम्पल्स है हमारी वो ट्रांसमिट होके सिग्नल्स के थ्रू में जाएगी। और साइनैप्स में क्या होगा, एक केमिकल कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन, इस साइनैप्स पे एक केमिकल है, जैसा कि मैंने आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में बताया था, एसिटाइलकोलाइन। एट द साइनैप्स एक केमिकल कॉल्ड एसिटाइलकोलाइन इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्वॉलन नोब्स ऑफ एक्सॉन, जो एक्सॉन के जो स्वॉलन नोब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को लेकर जाएंगे। और इस केमिकल को हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में बोला था, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, आप लोग फैमिलियर होंगे, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमिटर, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिटर। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था जो कि साइनैप्स के बारे में आपको डिटेल कर रहा था, और आई होप स्टूडेंट हमारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी स्टडीज के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करते होंगे। तो शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।